डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास एम्फीबिया के बाद रिप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानदार, उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि रिप्टाइल्स में कौन से जानदार आते हैं और रिप्टाइल्स के जो फेमिलर कैरेक्टर हैं उनके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिप्टाइल्स की 5000 स्पीशीज़ हैं। एम्फीबिया की कितनी स्पीशीज़ थी? 2000 थी। ठीक है, अगर इनकी स्किन देखेंगे तो इनकी स्किन ड्राई है और इनकी एपिडर्म पे स्केल्स मौजूद होते हैं, जबकि एम्फीबियन की स्किन क्या थी? मॉइस्ट थी, और उनके ऊपर, एम्फीबियन के ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं था, इनके ऊपर स्केल्स हैं। इनके ऊपर क्या है? स्केल्स हैं। थर्ड जो पॉइंट है, इनकी जो हैबिटॉट है, इनकी हैबिटॉट टेरेस्टेरियल है, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर खुश्की पे रहते हैं, जबकि एम्फीबियन कहाँ रह रहे थे? ड्यू लाइफ थी, पानी में भी रह रहे थे और लैंड में भी रह रहे थे। ठीक है, ये क्रेव करते हैं, क्रेवलिंग होती है इनमें, क्रेपिंग, रेंगते हैं ये किस पे? ज़मीन पे, विद द हेल्प ऑफ टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलस लिम्स। किसको कहेंगे? जिसमें फाइव डिजिट्स हों, जैसे हमारे पास दो लिम्स हैं, मीन्स दो बाजू, टू पैर ऑफ लिम्स हैं, ये एक पैर हो गया, दूसरा पैर टांगू, पाँव में भी पांच उंगलियां हैं हर पाँव में और हर हाथ में पांच उंगलियां हैं, इसको क्या कहेंगे हम? पेंटाडेक्टाइल्स। तो इनमें भी क्या है? टू पैर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं। ठीक है, एक बात और नोट करनी है आपने, जो स्नेक है, ये जो उमर ने बनाया है सांप, इस सांप में कोई लिम्स नज़र आ रहा है? इसमें कोई भी लिम्स नहीं है, ये याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इसमें कोई भी लिम्स नहीं है। However, no limbs. सांप में कोई लिम्स नहीं है। अगर सांप में कोई लिम्स नहीं है तो ये कैसे चलता है? इट क्रीप ऑन लैंड बाय अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी में ऐसी वेवी मूवमेंट होती है, बॉडी ऐसी वेव की तरह मूवमेंट करती है, जैसे मैंने अर्थवर्म में आपको पढ़ाया था, अर्थवर्म में कैसे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मूव कर रहे थे, तो इसमें अनड्यूलेटिंग जो है मसल की मूवमेंट होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है, और स्नेक जो है मूव करता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मीन्स ये क्या है? पोइकिलोथर्म्स है, और हम क्या हैं? हम वार्म ब्लडेड हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। अगर इसके एग की बात करेंगे, एम्फीबियन में एग छोटा था ना, मगर इसमें एग क्या है? बड़ा है। एम्फीबियन में एग उत्तर कहाँ पर रहा था? वाटर में, और यहाँ पे एक ले कहाँ हो रहा है? जमीन पे एक ले हो रहा है। एक जो एम्फीबियन का था उसके ऊपर कोई शेल नहीं था, मगर इसके ऊपर लेदरी शेल है। क्या है? लेदरी शेल है, इसकी ऊपर कवरिंग लेदर की कवरिंग है। इनमें क्वांटिटी ऑफ यॉक बहुत ज़्यादा है, जबकि एम्फीबियन में कम थी। प्रेजेंस इनकी जो, इनमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो एक प्रोटेक्टिव लेयर में, जिसको इम्यूनिटिक लेयर कहते हैं, डेवलप होता है, इसमें भी ऐसे ही इम्यूनिटिक लेयर होती है, जिसको एमनियन कहते हैं। एमनियन के बेस पे तीन ऐसे कॉर्डेट्स के क्लासेस हैं जिनमें ये एमनियन मौजूद है, जिसको एमनियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे या एमनियोटिक ग्रुप कहेंगे। एमनियोटिक ग्रुप जिसमें के ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद हो, वो कौन से ग्रुप है? रिप्टाइल्स, इनके एग में एमनियन मौजूद है। एव्स, परिंदे, इनके एग में प्रोटेक्टिव लेयर यानी के एमनियन मौजूद है। और मैमल्स, जिसमें हम आ जाते हैं, इनमें प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी के एमनियन मौजूद है। इनमें एमनियन मौजूद है तो इनको हम क्या कहेंगे? एमनियोटिक। एमनियोटिक के तीन ग्रुप हैं, याद कीजिएगा। और अएमनियोटिक, जिसमें एमनियन मौजूद नहीं है, आई मीन्स विदाउट, जो विदाउट एमनियन है, एमनियोटिक कौन से ग्रुप हैं? एक एम्फीबियन और दूसरा फिशेस। अगर रिप्टाइल की हम पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिप्टाइल की अगर देखेंगे तो रिप्टाइल वो पहले जानदार हैं जो कम्प्लीटली, जिन्होंने लैंड को अडॉप्ट किया। पार्शली अडॉप्ट किसने किया था? एम्फीबियन ने पार्शली अडॉप्ट किया था, मगर इन्होंने कंप्लीट, और ये मच अर्लियर
एडॉप्ट हुए थे, कब हुए थे? मीजोजोइक एरा में, याद करें जियोलॉजिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो मीजोजोइक एरा 225 से लेकर 70 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात है, तब ये इनमें एवोल्यूशन हुई थी। अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो उसमें भी रेप्टाइल्स आपको ऐसे बड़ा पेट नजर आएगा, ठीक है। जब इस वक्त रेप्टाइल्स डोमिनेट थे लैंड पे, इसको एज ऑफ डायनासोर भी कहते हैं, कि जब जो है मीजोजोइक एरा का एंड हो रहा था और सीनोजोइक एरा स्टार्ट हो रहा था, तब डायनासोर ख़त्म हो चुके थे, पूरे तबाह हो चुके थे। और इनका एक फीट का तो एक एक दांत था, इतने बड़े ये जानदार थे, एक फीट का एक एक दांत, तो समझे डायनासोर। इनमें जो बड़ा लार्जेस्ट डायनासोर था, डायनासोर ख़त्म हो चुके थे मीजोजोइक स्टार्ट होने पे एंड मीजोजोइक सॉरी मीजोजोइक की एंड पे और सीनोजोइक की स्टार्ट पे ख़त्म हो चुके थे। अभी हमारे पास क्रोकोडाइल है, लिजर्ड हैं, गार्डन लिजर्ड हैं, वॉल लिजर्ड्स हैं, स्नेक हैं, ये क्या हैं? रिप्टाइल्स हैं। दो बड़े जो डायनासोर की अकसाम, एक कौन सी है? ब्रोंटोसोर, और दूसरी है ट्रेनोसोर। इसकी अगर आप लॉन्गेस्ट देखेंगे तो 82 फीट इसकी ये लॉन्ग है, और इसकी हाइट अगर देखेंगे तो 16 फीट है। अगर ट्रेनोसोर को देखेंगे तो इसमें 60 फीट हाइट है, लॉन्गेस्ट लॉन्ग है, और इसकी हाइट जो है विड्थ है वो कितनी है? 20 फीट है। आज हमने पढ़ा है रिप्टाइल्स के बारे में, रिप्टाइल्स की 5000 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। रिप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, इनकी स्किन पे स्केल्स मौजूद होते हैं, एपिडर्म में स्केल्स मौजूद होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं, इनमें टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, स्नेक में लिम्स नहीं होते हैं, इनमें एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसको एमनियन कहते हैं, एग में एक कवरिंग होती है जिसको लेदरी शेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री देखी कि जो बड़ा फॉसिल डायनासोर जो कि किस एज में था, मीजोजोइक एरा में था, और इस जो ख़त्म हो चुका था जैसे ही सेनोजोइक स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सो मच।